हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं बताऊंगी आपको कि एक बोनसाई आप प्लांट लेके आए हो, जेट प्लांट का नर्सरी से लेके आए हो, तो उसका बोनसाई कैसे बनाए। ये समझ लो आप इस तरह का अगर देख के लेके आए हैं या कोई और डिज़ाइन का लेके आए, खड़ा खड़ा है ये, ऐसा लेटा लेटा है, तो उसका मतलब जैसा प्लांट होता है उसी हिसाब से हम बोनसाई बनाते हैं। कई तरह के लेटे हुए होते हैं, ऐसे होते, सोए हुए होते, जिस तरह से आप बोनसाई बनाना चाहते हैं अगर उसी तरह से आप वो लेके आए बोनसाई, मतलब गाइस, अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह का आप लेके आए हैं तो इस तरह का भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसा खड़े खड़े टाइप का है तो इस तरह का आप बोनसाई बना सकते हैं। जिस तरह का आप बोनसाई मतलब नर्सरी से जैसा लाए हैं उसी तरह का बोनसाई बन सकता है। वैसे तो कई हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप उसको देख के आइडिया लगा सकते हो कि हमारा प्लांट नर्सरी से किस तरह का लाना चाहिए। ये देखिए, इसको ऐसा हम मतलब इसको काट के, शेप बिगड़ गया इसका, तो मैं सोच रही इसको ज़रा शेप कर लूँ। चलो फिलहाल तो मैं इसको देती हूँ शेप। तो गाइज, अब ये समझ लीजिए आप इस तरह का आप बोनसाई लेके आए हैं, मतलब प्लांट लेके आए हैं जेट का, तो आप किस तरह से उसको शेप दें और कैसे दें, यही हम बताने वाले हैं आपको। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक और देखते रहिए NTSR इकोनॉमिक गार्डनिंग। ओके गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसे इस तरह से ये देखिए, ये नीचे की हम कट कर देंगे इस तरह से जल्दी जल्दी, ये नीचे की। पहले सबसे पहले काम है हमारा कि नीचे की साफ़ कर देना ब्रांचेस को। अगर हम नीचे का ब्रांचेस साफ़ करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हमें और क्या करना चाहिए। ओके गाइज, तो ये हम पहले कर लेते हैं। सबसे पहले उसके बाद हम देखेंगे कि हमें और क्या करना चाहिए। एक तो आप इस तरह का बोनसाई बना सकते हो कि जैसे ऐसा लटका हुआ, इस तरह से ऐसा, ये इधर इधर से ये वाली डाली ऐसे जाएगी और ये इसको ऐसे लटका दे, तो उस तरह का भी हम बोनसाई इस तरह से बना सकते हैं इसका। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कट कर लेंगे, इस तरफ से छोटा कर लेंगे। देखिए इस तरह से, ये मैं ग्रो बैग में लगाया था इसको, तो ये इसी तरह से वाइल्डली ग्रो हो रहा था गाइस, तो इसको हम इससे ज़रा, ये भी हमारा एक बोनसाई है। ये देखिए, काफ़ी सारे बोनसाई हैं हमारे पास, अनगिनत बोनसाई है, पर हम किसी में भी लगा देते हैं। ये हमने बोतल और डिब्बे में लगा दिया है गाइस। तो गाइस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। पसंद तो आएगा ही, आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीख पाएंगे। ये देखिए, ये छोटी डाली है यहाँ पर एक, तो हम इसको साइड ब्रांच कर लेंगे इसको यहाँ से। पहले हम सारों को छोटा कर देते हैं क्योंकि ब्रांच समझ में आएगी कि हमें और कहाँ कहाँ काटना है। ओके गाइस, ये काफ़ी अच्छा, अपन जिस तरह से हमें अच्छा लग रहा हम वैसा शेप दे सकते हैं।
ओके गाइस, ये इस तरह का था तो हमने इस तरह का शेप दिया इसको। ये देखिए हमें और यहाँ से कट कर देना होगा। इधर अब हमें देखना यह है कि ये पूरे छोटे छोटे इस तरह के हमें साफ कर देना होगा बीच बीच में से, और हमें किनारों पे रख लेना पड़ेगा किनारों वाले बीच। ये जो इधर है ये हम साफ कर देते हैं पूरा। ये देखिए गाइज, इसको हमने छोटा कर दिया और इसको भी हम छोटा कर दे रहे। अभी और छोटा कर दे रहे। और ये वाली डाली को रिमूव कर देंगे। देखिए अभी हाल फिलहाल ये इस तरह का, ये वाली डाली को भी हम रिमूव कर देंगे इस तरह से। और ये इसको थोड़ा सा ये देखिए अब हमारा बॉन्साई, और थोड़ा सा हम इससे वायर से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह का बना देंगे नीचे को। तो ये एक ऊपर को डाली जा रही है, एक नीचे को जा रही है। हमें देखना होता है कि गाइज किस तरह का हम बॉन्साई बना सकते हैं। बॉन्साई कैसा भी रहने दो, प्लांट है तो कोई सा भी शेप दोगे आप अच्छा ही लगेगा। देखिए ये भी हम थोड़ा सा छांट दिए, जो हम नीचे की डाली जा रही है ये भी हम निकाल दिए, क्योंकि नीचे जाती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो गाइज़ अगर ये देखिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए इस तरह का हो गया, ये कितनी सारा निकला। हम दिखाते हैं आपको पूरी तरह से कि किस तरह का आप किस तरह का जिस तरह का आपका प्लांट है, जिस तरह का उस तरह का बॉन्साई आप बना सकते हो। ये थोड़ा सा इसको ऐसा लटका देंगे, तो अगर आप किसी उसमें पाउंड जैसा बना के भी आप उसमें लगा सकते हो, ये बहुत प्यारा दिखने वाला है। यहाँ पर एक ट्री जैसा बन जाएगा, झाड़ जैसा बन जाएगा ऊपर। इसको सीधा कर दें और इसको इस तरह से मोड़ दें नीचे, तो बहुत प्यारा लगने वाला है गाइज। तो गाइज अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज और देखते रहिए मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो इसका केयर बहुत आसान है गाइज। इस पर नीम ऑयल का छिड़काव करिए टाइम टू टाइम, बाकी बहुत आसान है ये बनाना। तो आप भी बनाइए ये, और साल में दो बार इसको खाद दे दीजिए बस, और पानी देते रहिए। और लिक्विड खाद अगर दें तो देना चाहें तो वो भी दे सकते हो, तो जल्दी मोटा हो जाएगा ये गाइस। यहाँ पे साइड में थोड़ा सा निकल रहा है ये वाली डाली, ये ऐसे ही बढ़ने दिया था मैंने, वाइल्डली बढ़ रहा था ये, तो मैंने सोचा इसको इस तरह का शेप देते हैं। देखिए गाइस मैंने ज़रा सा इस वायर पड़ा था ऐसे ही, तो मैंने ज़रा सा इसको स्टेबल बना दिया, यानी कि खड़ा कर दिया थोड़ा सा, और इसको ऐसा झुका दिया है। तो देखिए कितना अच्छा प्यारा लगने लगा है, ये वाला शेप दे दिया मैंने। ऐसा मेरे पास नहीं है अभी,
तो मैंने अपने दिमाग से ये वाला शेप दे दिया है। और ये वाला तो आप जानते ही हैं, और भी हैं तमाम, हमारे पास बहुत सारे बोनसाई हैं। ये देखिए वीडियो भी हैं बहुत सारे हमारे इस पर। तो गाइज़ अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। गाइज़ हैप्पी गार्डनिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।